तो गाइस प्रीव्यू में जैसा आपने वीडियो देखा, इसे वीडियो एडिट करने के लिए सिंपली आपको एक एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी जिसका नाम है अलाइट मोशन। अगर आप लोगों के पास अलाइट मोशन नहीं है तो मेरे डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करने के बाद सिंपली आप लोग अलाइट मोशन को ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद सिंपली आप लोगों को प्लस बेल आइकन पे क्लिक कर देना। प्लस बेल आइकन पे क्लिक करके 9x16 का इशू सिलेक्ट कर लेना। सिंपली आप लोगों के पास वीडियो जो होगा उसको सिलेक्ट कर लेना। अगर आप लोगों के पास वीडियो नहीं होगा तो मेरे डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लेना। वीडियो सिलेक्ट करने के बाद क्या करना है चलिए बताता हूँ। जिधर जिधर इमोट दिख रहा है उधर उधर वाटर मार्क लगाना। अगर आप लोगों को वाटर मार्क क्या नहीं पता तो चलिए मैं बताता हूँ। ये व्हाइट कलर का जो लाइन दिख रहा है क्लिक कर देना तो वाटर मार्क लग जाएगा। तो चलिए मैं जल्दी जल्दी वाटर मार्क लगा लेता हूँ। तो देख सकते हो जिधर जिधर इमोट चेंज है उधर उधर मैंने वाटर मार्क लगा लिया हूँ। अभी आप लोगों को क्या करना है सिंपली एक पॉलीगन ले लेना है। पॉलीगन ले लेने के बाद उसको फुल स्क्रीन कर देना। फुल स्क्रीन करने के बाद उसको फुल लेंथ कर देना। अभी आप लोगों को क्या करना है पॉलीगन के ऊपर क्लिक करना है। अभी आप लोगों को एक इफेक्ट की जरूरत पड़ेगी जिसका नाम है कॉपी बैकग्राउंड। कॉपी बैकग्राउंड के ऊपर सिंपली टैप करना है, बाकी कुछ नहीं कर रहा। अभी आप लोगों को क्या करना है पहला जो वाटर मार्क है उस पर कट कर लेना। तो अभी आप लोगों को इस साइड का जो पॉलीगन दिख रहा है इस पर क्लिक कर लेना। क्लिक करने के बाद HDR पे जो इफेक्ट दिख रहा है इस पर क्लिक कर लेना। अगर आप लोगों के पास HDR इफेक्ट नहीं आ रहा तो सर्च कर लेना। सिंपल आप लोगों को कुछ नहीं करना, सिर्फ क्लिक कर देना। अभी साइड जितना वाटर मार्क दिख रहा है सभी में कट कर लेना। चलिए अब बताता हूँ कि शेक्ड इफेक्ट कैसे लगाना है। मेरे डिस्क्रिप्शन से XML फाइल डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करने के बाद आप लोग बैक कर लेना। बैक करने के बाद जो प्रोजेक्टर दिख रहा है इस पे क्लिक कर लेना। आप लोग जो मेरे डिस्क्रिप्शन से XML फाइल डाउनलोड किया उस पे क्लिक कर लेना। क्लिक करने के बाद सिंपली आप लोगों को जो छोटा वाला पॉलीगन दिख रहा है उसके ऊपर क्लिक करके कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद बैक कर लेना। बैक करने के बाद जो आपने वीडियो बनाया वो वीडियो के ऊपर सिलेक्ट कर लेना। जितना भी इमोट दिख रहा है सभी में पेस्ट कर देना। पेस्ट करने के बाद सिंपली आप लोगों का काम खत्म। तो गाइस वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।